हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनिरुद्ध सिंह लेक्चरर्स चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बारे में, जिसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ये जीवन परिचय आपके 2011 के बोर्ड एग्जाम में 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 और 22 के बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीटेड हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। वीडियो में बहुत ही सिंपल भाषा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय बताया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को आपको केवल एक ही काम करना है, वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर पूरा लास्ट तक देखना है, एक भी स्किप नहीं करना है, वरना आपके बहुत सारे टॉपिक मिस हो जाएंगे। ठीक है, और वीडियो के बीच में हमने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बताई है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी में मार्क्स बढ़ाने में बहुत ही मदद करेगी। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादातर उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। सबसे पहले उन्हीं बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस चैनल पर क्लास कक्षा 12 हिंदी मीडियम के छात्रों की तैयारी करवाई जाती है, सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है, साथ ही उनका टेस्ट भी लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के जरिए। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और एक बात, अगर आप नए नहीं हैं, पहले से इस चैनल पे ज्वाइन है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपको अगली वीडियो जल्द से जल्दी प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आपके सामने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका नाम है डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम है और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। उनका जीवन परिचय बहुत ही सिंपल भाषा में, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर आप जीवन परिचय बता रहे हैं लेकिन यहाँ साहित्यिक परिचय क्यों लिख रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूँ, मैंने साहित्यिक परिचय इसलिए लिख रखा है ताकि बोर्ड एग्जाम कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में आपसे जीवन परिचय नहीं पूछा जाता बल्कि साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। ठीक है, जीवन परिचय कक्षा 10 में पूछा जाता था, कक्षा 12 में साहित्यिक परिचय ही पूछा जाता है। आपके भरोसे के लिए मैंने बोर्ड एग्जाम के पेपर भी अपने पास रख रखे हैं, तो आप देख लीजिए। ये रहा मेरे सामने 2021 का सामान्य हिंदी का कक्षा 12 का बोर्ड एग्जाम का पेपर, आप यहाँ पे देख लीजिए कि जीवन परिचय पूछ रहा है या फिर साहित्यिक परिचय। तो मैं आपको ले चलता हूँ उस पोर्शन पे जहाँ पर जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय की बात हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक का विकास साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियां पर प्रकाश डालिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि साहित्यिक परिचय आपको लिखना है ना कि जीवन परिचय। ठीक है, साथ में इनकी कृतियां लिखनी है और अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 लिखनी है, मतलब कि 80 शब्दों में इस जीवन परिचय को आपको लिखना है। इससे ज़्यादा कम हल्के फुल्के हो जाए तो चलता है, लेकिन ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर कवियों को पूछता है और यहाँ पर साथ में लेखकों का भी पूछता है। ये देख लीजिए, प्रोजी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हरजी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेवशरण अग्रवाल जी, इनका सभी का जीवन परिचय अगर आपको देखना है सिंपल भाषा में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ पर क्लिक करके इनका जीवन परिचय देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पर साहित्यिक परिचय ही पूछ रहा है कि साहित्यिक परिचय ही आपको लिखना है ना कि जीवन परिचय, और अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 ही लिखनी है। ठीक है, 2022 का बोर्ड एग्जाम का पेपर है। आप यहाँ से आपका कन्फर्म हो गया होगा कि मैंने यहाँ पर साहित्यिक परिचय क्यों लिख रखा है। ठीक है, अगर इससे भी भरोसा नहीं होता तो मेरे सामने 2022 का भी सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर भी वैसे ही कुछ दिया हुआ है कि आपको साहित्यिक परिचय ही लिखना है, प्यारे बच्चों जीवन परिचय नहीं लिखना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पर पूछा भी गया है 2022 में, देख लीजिए आपके सामने प्रूफ है एकदम। ठीक है, दो नंबर का आप, तीन नंबर का आपका जीवन परिचय पूछा जाता है, साथ में दो नंबर का आपकी रचनाएं पूछी जाती हैं, कुल मिला के टोटल आपके 5 नंबर होते हैं। आपका अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो जीवन परिचय के साथ साथ हम जो आपको रचनाएं बताएंगे उनको आप 2-3 लिख दीजिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे 5 के 5। ठीक है, अधिकतम शब्द सीमा आपको इसमें भी 80 ही है, सभी में 80 शब्द सीमा होती है जितने भी बोर्ड एग्जाम के पेपर होते हैं। साहित्यिक परिचय ही देना है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है साहित्यिक परिचय ही देना है, कृतियां भी साथ में लिखनी है, इनकी मतलब कि इनकी रचनाएं भी 1-2 लिख देनी है। ये सभी जीवन परिचय की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक पड़ा हुआ है, सभी की बना रखी है, आप जाके वहां पर देख सकते हैं लिंक पर क्लिक करके। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं को तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने जीवन परिचय पे।
तो बच्चों आप सभी को एक बात तो समझ आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर साहित्यिक परिचय क्यों लिख रखा है, आपको मैंने बोर्ड एग्जाम के पेपर के साथ ही इस बात को समझा दिया है। तो आपको बिल्कुल भी भूल नहीं करनी है, जीवन परिचय नहीं लिखना है, बल्कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जब आप ये लिख रहे होंगे तो आपको वहाँ पर साहित्यिक परिचय की हेडिंग डालनी है और इसके बाद आपको चालू करना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। और एक बात, जहाँ पे ये देखो ईस्वी और मृत्यु डेट और जन्म डेट वहाँ पर होती है ना, उनको काले पेन से लिखना है। और अगर आप काले पेन से लिखना भूल जाते हैं तो आपको काले पेन से उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को साफ साफ दिख सके और आपको पूरे एग्जाम में मार्क्स मिल सके, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है पूरा ये जीवन परिचय आपका चेक नहीं करता है, मेन मेन पॉइंट जहाँ पर हाईलाइट होते हैं जो मेन पॉइंट उन्हीं को चेक करता है, उन्हीं के आधार पर आपको नंबर दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिल जाएंगी, तो आप प्लीज़ सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं जीवन परिचय पे, यहाँ लिख गया साहित्यिक परिचय, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम के तमिलनाडु में हुआ था। देखो सिंपल भाषा में है, यहाँ तक इसके आगे आपको लिखना है इनके पिता का नाम जैनुलब्दीन और माता का नाम असियम्मा था, ठीक है। अगर हो सके तो आपको इसको भी काले पेन से ही लिखना है, ठीक है, जैनुलब्दीन और असियम्मा को भी काले पेन से लिखना है ताकि एग्जामिनर को साफ साफ दिख सके, ठीक है। कलाम जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे, मतलब कि पार्ट टाइम जो भी पढ़ाई के साथ साथ किया करते थे, ठीक है। उनकी आर्थिक स्थिति मतलब कि घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो पढ़ाई के साथ साथ अन्य काम भी ये करते थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के एक मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की, मतलब कि इसका मैट्रिकुलेशन मतलब कि 10 और 12 तक की स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की इन्होंने रामनाथपुरम के एक मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की, ठीक है। और स्नातक मतलब कि BA BSc BCOM की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज से पूरी की, मतलब कि सेंट जोसेफ कॉलेज से BA BA या BA BSc BCOM की पढ़ाई इन्होंने, स्नातक की पढ़ाई उसको कहते हैं, उसकी पूरी की, ठीक है। इसके बाद इन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की, मतलब कि इन्होंने अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा कहाँ से पूरी की, प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से पूरी की शिक्षा पूरी की। डॉक्टर, अब यहाँ पे देख लीजिए, डॉक्टर कलाम देश के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से नवाजा जा चुका था, मतलब कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न दे दिया जा चुका था, मतलब कि भारत रत्न से वो नवाज जा चुके थे, मतलब उनको भारत रत्न मिल चुका था। 27 जुलाई 2015 ईस्वी को एक व्याख्यान के दौरान हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई, मतलब कि 27 जुलाई 2015 को आपको काले पेन से लिखना है, 27 जुलाई 2015 को एक मतलब कि भाषण के दौरान इनकी मतलब कि हार्ट अटैक हृदयघात से इनकी मौत हो गई, ठीक है। अब आपको अगले लिखना है इनकी, ये इससे आपको 3 नंबर मिलेगा, अगर आप इतना लिख देते हैं 3 नंबर आपका इतने से पक्का हो जाएगा। आगे आपको इनकी 2 से 3 रचनाएं मतलब कि कृतियां लिख देनी है, आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएंगे, कृतियों से आपको कुल मिला के 5 नंबर मिल जाएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप इनकी देख सकते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, यहाँ पर ऐसे लिखा है। इसके बाद आपको प्रथम इनकी है इंडिया 2020 अभियान फॉर द न्यू मिलेनियम, इसको भी आपको लिखना है, अभियान फॉर द न्यू मिलेनियम इंडिया 2020, ठीक है, इसको आपको लिखना है फर्स्ट नंबर पे। दूसरा आपको लिखना है विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इंग्लिश में नहीं लिखना है, हिंदी में ही लिखना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, क्योंकि हिंदी का पेपर है तो हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। मिशन इंडिया भी आपको लिखना है, अगर आप लिख सकें 2 से 3 लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अग्नि की उड़ान मैंने 4-5 यहाँ पर बता रखी है, अगर आपको जो भी अच्छी लगे याद हो जाए जो भी, उनको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको लिखना है, ठीक है। कलाम जी भारत के उच्च कोटि के वैज्ञानिक, लोकप्रिय राष्ट्रपति, दार्शनिक एवं समाज सेवी भी थे, इसको मतलब एक्स्ट्रा में अगर आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, इससे एग्जामिनर खुश होकर आपको अच्छे नंबर दे सकते हैं। यहाँ से आपके आप लोग देख लीजिए, 3 नंबर आपके जीवन परिचय मतलब कि साहित्यिक परिचय के, प्लस 2 नंबर आपके कहा है कि कृतियाँ के, मतलब कि कुल मिला के टोटल आपके 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, अगर आपने वीडियो अच्छे से वॉच की है तो।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो पे एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आती है। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय।